नमस्कार दोस्तों, आज डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे इसे कट करेंगे। इस तरह देखिए, हम साइज के हिसाब से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हम ब्लाउज बनाएंगे उसकी चेस्ट साइज 34 इंच है और इसकी तैयार लंबाई 13 इंच है। तैयार लंबाई 13 इंच है तो 1 इंच हम ज़्यादा कट करेंगे। इस तरह देखिए 14 इंच पर निशान बनाएंगे। शोल्डर इसका हम 5 इंच लेंगे। आर्म होल 6 इंच। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसका जो हम गला कट करेंगे वो हम बुकरम पे कट करेंगे। अब इसे हम कपड़े पर रख के कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, आर्म होल और शोल्डर हमने कट कर लिया है। अब हम जो गला कट करेंगे उसे हम बुकरम पे कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, हमें बुकरम लेना है और इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। इसकी गहराई हम 10.5 इंच लेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच पर 1 इंच हमें बाहर की तरफ बढ़ाना है। तो इस तरह देखिए, हम गले का शेप देंगे। अब इसे हम कट करेंगे। देखिए, हमने गले को कट कर लिया है। इस तरह देखिए, इसको बुकरम को हमने अच्छे से कपड़े पर पेस्ट कर दिया है। अब हम देखिए, पहले बाहर की साइड के कपड़े पर इस तरह मुड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके सेंटर पर निशान बनाएंगे। इस तरह देखिए, हमने ब्लाउज के सेंटर पर भी निशान बनाया है। अब हम गले को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। तो इस तरह देखिए, हमने अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा दी है। इसको देखिए, ब्लाउज के सीधी साइड में ही रखना है। इसको हम पलटेंगे तो ये अंदर की तरफ, यानी कि उल्टी साइड में इसे पलटना है। इस तरह देखिए, कट कर दिया है। अब हमें कट लगाना है। अब देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ इसे पलट देंगे और पलटने के बाद गले पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह देखिए, गले पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इस पर डिजाइन बनाना है। तो ये देखिए, ब्लाउज का हमारे बॉर्डर है। तो पहले हम देखिए, सेंटर का निशान बना हुआ है और इसे हमें लगाना है। इस तरह से देखिए, हम इसको लगाएंगे। देखिए, इसको हमने सीधा नहीं लगाया है, तो यहाँ पर देखिए छोटी सी इस तरह से चुन्नट दे देंगे तो ये अच्छे से यहाँ पर बैठ जाता है। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी लगाना है इसे। इस तरह देखिए, हमने यहाँ पर दोनों साइड से डिजाइन को बना लिया है। अब हम देखिए, इस तरह से ब्लाउज के कपड़े से डोरियां बना के लेंगे और इसे हमें 1.5 इंच की कट कर लेना है। इसी तरह देखिए, हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, हमें इस तरह से डिजाइन बनाना है। एक डोरी हम लेंगे और इस तरह से हमें देखिए लगाना है। अंदर की तरफ से हम नहीं लगाएंगे, ऊपर से ही लगाना है। और देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट गले से बाहर की तरफ करना है।
इस तरह देखिए हमने डिजाइन को पूरा कर लिया है। जहां तक हमने ब्लाउज के बॉर्डर से डिजाइन बनाई है वहीं तक हमें इसे लगाना है। अब देखिए इसके ऊपर एक सिलाई और हम लगा देंगे। देखिए जहां पर इस तरह थोड़ी सी बड़ी डोरी आती है तो उसे इस तरह से हम कट कर देंगे और इसे कट करके बराबर कर देंगे। तो इस तरह देखिए इसको बराबर से कट कर दिया है। अब देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरह से डिजाइन को बना लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने दूसरी साइड भी डिजाइन को पूरा कर लिया है। अब हम देखिए इस तरह से लिख लेंगे बॉर्डर से बिल्कुल मैच करता हुआ और इस तरह से देखिए हमें इसे लगाना है। इस तरह देखिए इस लेस को लगाना है। तो देखिए लेस लगाने से पहले ही हमने यहाँ पर प्लेट इसके बना दिए हैं दोनों साइड से। तो इसी तरह हम दूसरी साइड भी लेस को लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने दूसरी साइड से भी लेस को लगा लिया है। हमें देखिए इन डिजाइनों पर मोतियां लगाना है। तो इस तरह देखिए हम गोल्डन मोती लेंगे और डिजाइनों के बीच में हमें मोतियों को लगाना है। तो इस तरह से हम लगाएंगे। तो इसी तरह देखिए सभी डिजाइनों के बीच में हमें मोतियां लगानी है। तो इस तरह देखिए हमने पूरे डिजाइन पे मोतियां लगा दी है। और देखिए यहाँ पर जो हमने बॉर्डर से डिजाइन बनाई थी तो यहाँ पर जो गैप था वहां पर भी हमने देखिए इस तरह से एक एक मोती लगा दी है। तो अभी हमारा डिजाइन बन गया है। तो हमारा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।